जादुई लाल परी की लाल लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है, जौनपुर नामक गांव जहां लाल सिंह अपने दो बच्चों के साथ रहा करता था। लाल सिंह के दोनों बच्चे प्रिया और विशेष बहुत समझदार थे। प्रिया और विशेष के समझदारों के चर्चे घर से लेकर स्कूल तक थे। स्कूल के दिन चल रहे थे और सभी बच्चे अपने अपने स्कूल समय से जाया करते और पढ़ लिख कर वहाँ से वापस आया करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन परीक्षा के बाद रिजल्ट का दिन होता है, जब सभी माता पिता को अपने अपने बच्चों का रिजल्ट देखने स्कूल जाना होता है। तभी विशेष और प्रिया की टीचर कहती है, देखिए प्रिया और विशेष बहुत ही समझदार और अच्छे बच्चे हैं। बिना माँ के बच्चे होने के बावजूद ये स्कूल में समय से आते हैं और इनका काम भी समय से पहले पूरा होता है। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई साहब कि स्कूल में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, जहाँ बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं, और मुझे यकीन है कि वो स्कॉलरशिप इन दोनों बच्चों को मिल जाएगी। लेकिन स्कूल के बाकी बच्चों का मुझे नहीं पता, क्योंकि सभी बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड नहीं है। टीचर की बातें सुनकर लाल सिंह बहुत खुश होता है और अपने दोनों बच्चों को खुशी से गले लगा लेता है। उसके बाद वो अपने घर की तरफ वापस आता है और रास्ते में वापस आते वक्त प्रिया और विशेष दोनों ही पेस्ट्री खाने की जिद करते हैं। लाल सिंह को अपने काम के सिलसिले से कई बार शहर भी जाना पड़ता था, जिसके कारण वो अपने बच्चों की देखरेख ठीक से नहीं कर पाता था। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वो अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाना चाहता था, जिसके कारण वो एक दूसरी शादी विमला से कर लेता है। विमला दिखने में सुंदर थी और दिल की भी बहुत साफ थी। वो पहले दिन से ही लाल सिंह के बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। लेकिन दोनों ही बच्चे अपनी सौतेली माँ को अपनी सगी माँ मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दोनों बच्चे विमला को ना पसंद करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह सुबह विमला नाश्ता बनाकर लाती है और दोनों बच्चों से कहती है, ये लो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए आज बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है, इसे खाकर तुम बहुत खुश हो जाओगे और ताकतवर हो जाओगे। ये लो प्रिया, तुम ये हेल्दी सैंडविच खा लो, और ये लो विशेष, तुम सैंडविच और चाय। प्रिया और विशेष दोनों ही बहुत गुस्से में होते हैं और दोनों ही उसके सैंडविच उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। तुम हमारी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता। और स्वादिष्ट खाना तो क्या, हम तुम्हारे हाथ की बनाई हुई कोई ड्रिंक भी नहीं पियेंगे, क्योंकि हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं पसंद। दोनों बच्चों की बातें सुनकर विमला बहुत परेशान हो जाती है और रोते रोते सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर लाल सिंह को सब कुछ बताती है। मैं दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है कि वो दोनों बच्चे मुझे प्यार ही नहीं करते और मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। मैंने पता नहीं उनका क्या बिगाड़ा है जो वो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार रखते हैं और ना ही मुझे अपनी माँ मानते हैं। मेरे बच्चे तो मुझसे भी गुस्सा है, लेकिन तुम्हें पता है कि माता पिता होने के नाते हमें सब्र रखना चाहिए। हमारे बच्चे हमें खुद एक दिन समझने लगेंगे और फिर तुम अपने प्यार से उन्हें अपना बना सकती हो। अभी शुरुआत है, इसलिए तुम्हें थोड़ी परेशानी सहनी पड़ेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। विमला अपनी तरफ से हर एक कोशिश करती है और उन्हें अपना बनाने के लिए बहुत सारे उपाय करती है, लेकिन दोनों बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, उसको अपनी सगी माँ नहीं मानते। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और विमला दिन रात मेहनत करती है और अपने बच्चों को खुश रखने का सोचती है। लेकिन दिन रात काम करते करते विमला की तबीयत एक दिन अचानक खराब हो जाती है और विमला बेड पर आ जाती है। तभी प्रिया वहाँ आती है। देखो भाई, देखो आज इस औरत को, इसने तो आज बेड ही पकड़ लिया ताकि हम इसके आगे पीछे खाना पानी लेकर घूमें। ये तो हमसे सारे काम करवाना चाहती है। इसने हमेशा से ही हमें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है। मैं इसी वजह से इसको अपनी माँ नहीं मानती। ये एक जाहिल औरत है जिसे अपने बच्चे भूखे दिखने के बावजूद नजर नहीं आ रहे। तुम ऐसे तो मत बोलो, कम से कम मेरी तबीयत खराब है
और तुम मुझे एक ग्लास पानी पिलाने की जगह ताने मार रही हो। मैंने तुम्हारे जैसी बेटी आज तक नहीं देखी। कम से कम तुम्हारे अंदर इंसानियत तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन तुम सच में एक बहुत बिगड़ी लड़की हो। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारी तारीफ किया करते थे तो शादी से पहले मुझे भी लगता था कि सच में तुम दोनों बहुत समझदार और अच्छे होंगे, लेकिन तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसके बाद मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा बिगड़ैल बच्चा यहाँ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, हम बिगड़ैल ही सही। इतना कहते ही विशेष बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी सौतेली माँ को धक्का दे देता है, जिसके बाद विमला सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और उसके सर पर गुमचोट लग जाती है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। और तब प्रिया बहुत परेशान हो जाती है और घबराकर कहती है, काश आज हमारी सगी माँ जीवित होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भले ही मुझे ये सौतेली माँ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी विशेष। तुम्हारी वजह से इनकी जान भी जा सकती है। हे भगवान, आप ही कुछ करो, हमें बचाओ। प्रिया के इतना कहती ही प्रिया के घर में एक जादुई लाल परी आती है और वो कहती है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो और ये क्या, तुम्हारे घर में ये औरत ऐसे क्यों गिरी हुई है? इसके सर पर तो गुम चोट लग गई है, तुमने इसको कुछ किया है क्या? मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये हमारी सौतेली माँ है और गुस्से में आकर मेरे भाई ने उसको धक्का मार दिया, जिसके बाद इसके सर में गुम चोट लग गई। और हम इन्हें ना पसंद करती हैं, जिसके कारण हमारे बहस चल रही थी और बहस में ही मेरे भाई ने इसको धक्का मार दिया। लेकिन आप कौन हैं और इतना तैयार होकर यहाँ पर क्यों आई हैं? मैं जादुई लाल परी हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर ऐसी ही घूमने आई थी, लेकिन मुझे तुम लोगों के घर से कुछ आवाज आई, जिसके कारण मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी परिस्थिति देखने आई थी। लेकिन ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई हूँ कि अब की जनरेशन कैसी हो गई है, जो अपने माँ बाप को स्वीकार तक नहीं करती। भले ही ये तुम्हारी सौतेली माँ है, लेकिन मैंने जितना अभी तक समझ पाया है, ये तुम्हारे साथ हमेशा से अच्छा ही करती है, लेकिन तुमने इनकी इज्जत नहीं करी और इन्हें हमेशा दुख दिया है। मुझसे गलती हो गई, प्लीज कुछ करके इन्हें ठीक कर दो और उसके बाद हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैं जादुई लाल परी हूँ, मैं इन्हें तुरंत ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों को तुम्हारी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है और वो तुम्हें हो गया है। अब मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसके बाद तुम इनका खूब ख्याल रखोगी और इन्हें भी अपनी माँ की तरह मानोगी। इतना कहती ही उनकी सौतेली माँ को पहले की तरह परी ठीक कर देती है और दोनों भाई बहन अपनी सौतेली माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर अपनी सौतेली माँ से माफी मांगते हैं और परी से भी माफी मांगते हैं, जिसके बाद परी उन्हें कहती है, तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी परवरिश में तुम्हें माँ का साया कम मिला है, जिसके कारण तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो। लेकिन अब तुमने मुझसे वादा किया है तो तुम हमेशा अपने सौतेली माँ का ख्याल रखोगे। और ये लो, मैं तुम्हें जादुई लाल लिपस्टिक दे रही हूँ। इस जादुई लाल लिपस्टिक की मदद से तुम जो भी चाहो वो मांग सकते हो, और ये मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम अपनी सौतेली माँ को कभी भी परेशान ना करो। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद में जादुई लिपस्टिक का उपयोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए ही करते हैं और अपनी सौतेली माँ को हमेशा अपनी माँ की तरह ही रखते हैं। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। विमला बहुत खुश होती है क्योंकि दोनों बच्चे ही उसका खूब ख्याल रखते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। प्रिया के गांव में एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहती थी। मैंने हमेशा से पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान रखा, अब मैं एक फैशन कॉम्पिटिशन जीतना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें जो पैसे मिलेंगे वो मैं अपने पिताजी को इनाम देना चाहती हूँ। पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि हमें तो एक माँ लाकर भी दी, बस हमें ही समझने में देरी हो गई थी, लेकिन वो सच में एक अच्छी माँ है। हाँ, तुम्हें फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए और हमारे घर का नाम रोशन करना चाहिए। जिसके बाद प्रिया फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या मैं इस फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ?
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसमें जो इनाम मिलेगा वो मैं पिताजी को दे सकूँ और हमारे घर का नाम रोशन कर सकूँ। हाँ, तुम्हें जरूर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही चाहती थी कि मेरे बच्चे हमेशा आगे बढ़े। अपनी माँ का सपोर्ट देखकर वो बहुत खुश होती है और जादुई लिपस्टिक की मदद लेती है। हे जादुई लिपस्टिक, मैं इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। आप कृपया करके मुझे इस कंपटीशन के हिसाब से सुंदर सुंदर ड्रेसेस और सैंडल, मेकअप किट आदि दे दो, ताकि मैं ये कंपटीशन आसानी से जीत सकूं। प्रिया के इतना कहती ही जादुई लिपस्टिक के चारों तरफ एक दिव्य रोशनी घूमती है और रोशनी घूमते घूमते प्रिया की मांगी हुई सारी चीजें एक एक करके प्रिया के सामने आ जाती है। सभी चीजें बहुत ज्यादा सुंदर होती है और इतनी सुंदर चीजें पहली बार देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और फिर उन सभी चीजों को लेकर अपने कमरे में ले जाती है। उसके बाद खुशी से झूम उठती है और कंपटीशन में जीतने की तैयारी शुरू कर देती है और वो खूब मेहनत करने के बाद उस कंपटीशन में पहुंचती है, जहां गांव के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जहां प्रिया भी अपना टैलेंट दिखाती है। सभी बच्चे प्रिया के ड्रेस को देखकर बहुत खुश होते हैं और सभी उसे उसके ड्रेस का पता करते हैं कि उसने ये कहां से खरीदी, लेकिन प्रिया उन्हें कुछ नहीं बताती। एक एक करके सभी अपने अपने टैलेंट दिखाते हैं, जिसके बाद रिजल्ट अनाउंस होता है और उसमें पता चलता है कि प्रिया विनर होती है। प्रिया विनर बनने के बाद बहुत खुश होती है और स्टेज पर बैठे सभी जजेस प्रिया को इनाम देते हैं और 50,000 रुपए की रकम देते हैं, जिसके बाद प्रिया वो रकम ले जाकर अपने पिताजी को दे देती है और अपनी माँ का बहुत धन्यवाद करती है। उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। शहर से दूर एक देवकी नंदन गांव में पूजा और उसकी माँ विमला तथा पिता सरोज एक साथ हंसी खुशी से रहते थे। पूजा के पिताजी सरोज शहर में एक माले का काम किया करते थे। शहर गांव से बहुत दूर था और शहर से गांव तक आने के लिए कोई ट्रेन या वाहन भी नहीं था, इसलिए पूजा के पिताजी कभी कभार ही गांव रहने आया करते थे। पूजा की माँ विमला ने ही पूजा को पाल पोस कर बड़ा किया था कि तभी एक बार अचानक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से विमला की तबीयत खराब हो गई और विमला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, परंतु अस्पताल वाले भी विमला की जान नहीं बचा पाते और इस तरह पूजा के सर से बचपन में ही उसकी माँ का साया उठ जाता है और वो अनाथ हो जाती है। इस बात की खबर जब सरोज के गांव वाले उसे देते हैं तो सरोज भागा भागा गांव आ जाता है। कुछ दिन पूजा के पिताजी सरोज जैसे तैसे पूजा का पालन पोषण करते हैं, परंतु बहुत दिन गांव बैठने की वजह से अब सरोज के पास घर के खर्च के लिए रुपए नहीं बचे थे, जिस कारण उसका शहर जाकर काम करना आवश्यक था। शहर में नौकरी ना करने की वजह से उनके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। एक दिन सरोज के कुछ रिश्तेदार सरोज को दूसरा विवाह करने की सलाह देते हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी इकलौती बेटी पूजा के सर पर सौतेली माँ का साया नहीं पड़ने देना चाहता। मैंने सौतेली माँ का अत्याचार के कई किस्से सुने हैं, पता नहीं वो दूसरी पत्नी मेरी बेटी पूजा को स्वीकार करेगी या नहीं। बेटा सरोज, तो सही कह रहा है, परंतु अपनी मासूम सी बेटी के बारे में जरा सोच। जब लोग उसे अनाथ होने का ताना देंगे तो उसे कैसा लगेगा? अभी तो वो छोटी है, परंतु जवानी में जब उसे अपनी माँ की कमी महसूस होगी तो तू क्या करेगा? वो कमी तू क्या पूरी कर पाएगा? हम तेरे भले के लिए ही तुझे समझा रहे हैं। मैं अपनी छोटी बेटी सिमरन का विवाह तुझसे करा देती हूँ, अगर तू राजी है तो मैं आगे विवाह की तैयारी करूँ। सरोज अपनी सास की बात सुनकर दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह कुछ दिनों बाद सरोज और सिमरन का विवाह हंसी खुशी से हो जाता है। सिमरन शुरू शुरू में तो पूजा का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखती है और उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। सरोज भी ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी मौसी उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती है और उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। इसी तरह दिन निकल रहे थे।
कुछ सालों बाद सिमरन को भी एक बच्चा हो जाता है। सरोज और सिमरन मिलकर उस बच्चे का नाम स्वीटी रखते हैं। स्वीटी बचपन से ही सावली और छोटे बालों वाली लड़की थी। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, सिमरन उन दोनों के साथ भेदभाव करना शुरू कर देती है। सिमरन के भेदभाव की वजह से पूजा जो घर में बड़ी थी वो घर पर ही रहकर घर का काम किया करती थी। वहीं स्वीटी जो सिमरन की सगी बेटी थी स्कूल में पढ़ाई किया करती थी। क्योंकि पूजा दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी, इसलिए उसके गांव में बहुत सारे दोस्त थे। जबकि स्वीटी के सांवले रंग पर छोटे छोटे बालों की वजह से वो कम खूबसूरत थी और उससे कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। सिमरन भी अंदर ही अंदर पूजा की खूबसूरती से जलती थी। इसी तरह एक दिन सरोज शहर से घर आता है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी सरोज बोलता है, सिमरन मैंने अपनी बिटिया पूजा के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता देखा है। लड़के वाले शहर के सबसे अमीर खानदान से हैं और उन्हें अपने इकलौते बेटे सूरज के लिए एक सुंदर और काबिल बहू चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है पूजा के पिताजी, हमारी बिटिया की शादी एक अच्छे घर में हो जाए और भला हमें क्या चाहिए। सिमरन सरोज के सामने तो अच्छी बातें करती है, परंतु मन ही मन वो ये रिश्ता नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि वो पूजा से नफरत करती थी और उसे किसी भी हालत में एक अच्छे घर में नहीं देखना चाहती थी। सुनो सिमरन, मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं ये कह रहा था कि कल लड़के वाले हमारे घर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी पूजा को अच्छे से तैयार कर दो, ताकि हमारी बेटी राजकुमारी से कम ना लगे और लड़के वाले उसे एक ही नज़र में पसंद कर ले। आप चिंता मत कीजिए, पूजा की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, सब अच्छे से हो जाएगा। अगले सुबह जब लड़के वाले आने वाले थे तो सिमरन जल्दी उठकर पूजा के नहाने वाले पानी में एक बहुत ही बदबूदार केमिकल मिला देती है। उसके बाद सिमरन बाथरूम से निकलकर पूजा को आवाज लगाती है, पूजा बेटी जल्दी से उठकर नहा धो लो, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया है कि मैं तुम्हें अच्छे से तैयार करूंगी, इसलिए सबसे पहले तुम उठकर नहा लो। पूजा अपनी माँ की आवाज सुनकर नहाने के लिए उठ जाती है। पूजा जैसे ही बाथरूम में घुसती है उसे अजीब सा फील होता है, परंतु उसे तैयार होने की जल्दी थी इसलिए वो जल्दी जल्दी नहा लेती है। नहाने के 5 मिनट बाद ही पूजा के शरीर से गंदी बदबू आने लगती है। ये देखकर पूजा घबरा जाती है और अपनी माँ सिमरन के पास जाती है। देखिए ना माँ, ये मेरे शरीर में से कितनी गंदी बदबू आ रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ऐसे में कैसे बाहर जाऊँ। इस तरह पूजा अपनी माँ के सामने जोर जोर से रोने लगती है। सिमरन बाहर से तो उदास होने की एक्टिंग करती है, परंतु अंदर ही अंदर वो खुश हो रही होती है कि अब ये पूजा की बच्ची गरीब रहेगी और इस घर का सारा काम करेगी। रुको पूजा, मैं अभी तुम्हारे पिताजी को बुलाकर लाती हूँ बेटी। सिमरन पूजा के पिताजी को उसके कमरे में बुलाती है। सरोज भी अपनी बेटी को इस तरह देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या हुआ बेटी, तुम्हारे शरीर से ये गंदी बदबू कैसे आ रही है? जरूर तुमने कोई गलत क्रीम पाउडर लगा लिया होगा, ऐसे में तो जो लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं वो तुम्हें ना पसंद करके चले जाएंगे। पिताजी मुझे कुछ नहीं पता ये सब कैसे हुआ, परंतु अब मुझे लड़के वालों के सामने नहीं जाना है, कृपया करके आप उन्हें वापस जाने को बोल दीजिए। सरोज अपनी बेटी पूजा का कहना मानकर लड़के वालों को घर वापस भेज देता है और उसकी शादी का रिश्ता कैंसिल हो जाता है। पूजा को इस बात का बहुत दुख था कि लड़के वाले ऐसे उसके घर से वापस चले गए। इसी तरह कुछ दिन बाद पूजा के लिए एक और अच्छे घर का रिश्ता आता है। इस बार भी पूजा की सौतेली माँ सिमरन पूजा के चेहरे पर एक्सपायरी क्रीम लगाकर उसका चेहरा काला कर देती है। लड़के वाले जब पूजा को देखते हैं तो वो उसे नापसंद कर देते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब गली मोहल्ले के बच्चे भी पूजा का काला चेहरा देखकर उसे कल्लू माई, काली माता, काला भालू आदि नामों से चिढ़ाते थे। एक दिन पूजा की सौतेली माँ पूजा को नदी किनारे मछली पकड़ने के लिए भेजती है। पूजा मछली पकड़ने के लिए नदी तट पर पहुँच जाती है और बहुत देर से मछली पकड़ने की कोशिश कर रही होती है,
परंतु उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती। इन सब से परेशान होकर पूजा वहीं बैठे बैठे अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। माँ, ये मुझे क्या हो गया? मैं इतनी काली कैसे हो गई? आप ही तो कहती थी ना कि जो लोगों की मदद करता है बड़ों का आदर करता है और मीठी वाणी बोलता है भगवान उसका कभी बुरा नहीं करता। तो यो मेरा इतना काला रंग करके भगवान ने मुझे ये सजा क्यों दी? मैं अब इस काले रंग के साथ और नहीं जी सकती। यहाँ लोग मुझे उल्टे सीधे नामों से बुलाकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि सौतेली माँ सिमरन और स्वीटी भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, कृपया मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं अब और इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। इस तरह मन ही मन पूजा बहुत सारी बातें करती है और रोने लगती है। अपनी बेटी पूजा को इस तरह रोता देख पूजा की सगी माँ वहाँ प्रकट हो जाती है। प्यारी बेटी, तुम्हें इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। ये सब तुम्हारी सौतेली माँ सिमरन का ही किया हुआ है। वो नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे घराने में हो, इसलिए वो एक खराब क्वालिटी के एक्सपायरी क्रीम तुम्हारे मुंह पर लगा दी, जिससे तुम्हारा ये रंग रूप काला हो गया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। ये लो, ये दो सोने के बड़े मटके हैं। तुम इन मटकों को अपने साथ ले जाओ और इससे अपने रहने के लिए एक घर और मेकअप का सामान मांग लो। जब तुम अपनी सौतेली माँ से दूर होगी तो तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी और मेकअप का सामान लगाकर तुम पहले की तरह सुंदर हो जाओगी और लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। ये लो, मैं तुम्हें ये एक और मिट्टी का मटका देना चाहती हूँ। इस मिट्टी के मटके की मदद से तुम अपने लिए खाने की चीजें मांग सकती हो। जब कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इस जादुई मिट्टी के मटके से मांग लेना। ये पल भर में ही तुम्हें वो सारी चीजें दे देगा। इतना कहकर पूजा की सगी माँ विमला वहाँ से गायब हो जाती है। पूजा भी बिना देरी किए वो जादुई मटका वहाँ से ले जाती है। पूजा सबसे पहले वाले जादुई सोने के मटके को एक सुनार को बेचकर रुपए इकट्ठे कर लेती है और उससे अपने लिए एक घर ले लेती है। रात होने तक जब पूजा घर वापस नहीं आती तो सिमरन सोचती है कि जरूर पूजा को किसी मगरमच्छ ने खा लिया होगा। ये सोचकर सिमरन मन ही मन खुश होती है कि अब उसके रास्ते का ये कांटा खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ पूजा जादुई मटकों की मदद से हंसी खुशी रहने लगती है और अब उसका रंग पहले की तरह सुंदर और खूबसूरत भी हो गया था। पूजा भी अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह कुछ दिनों बाद जब पूजा के पिताजी गाँव वापस लौटते हैं तो पूजा उन्हें नमस्ते कहती है और अपने ऊपर बीती सारी कहानी अपने पिताजी को सुनाती है। ये सुनकर पूजा के पिताजी को बहुत दुख होता है कि उनके रहते हुए उनकी बेटी को इतना दुख झेलना पड़ा। इस तरह उस दिन के बाद पूजा के पिताजी भी पूजा के साथ ही रहने लगते हैं और उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। कुछ दिनों बाद पूजा के पिताजी एक अच्छे घर का रिश्ता देखकर पूजा को विदा कर देते हैं और पूजा अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।